एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन कानगो एएसओ एंड क्लर्क का डीवी कंप्लीट हो चुका है और यह अध्यक्षता जो है ना 18 जनवरी 2024 को 20 जिलों में चल रही विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा सहायक निर्देशक के रूप में पटना में अध्यक्षता की गई थी। और वहाँ पर जब अध्यक्षता जब हो गया था पटना में टोटल मीटिंग कम्प्लीट होने के बाद लास्ट में देखिए कि क्या क्या, ये तो टोटल जिलावार दिया गया किस जिला में कितना खेसरा है, क्या है, कितना कितना खाना पूरी प्रक्रिया है, टोटल हर एक चीज़ में दिया गया है। आप यहाँ इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल एक्सएम स्टडी में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद आप लोग को देखिए क्या मैन इसका निष्कर्ष क्या है, जो भी अभी न्यू रिक्रूटमेंट होने वाला है स्पेशल सर्वे अमीन कानगो एएसओ वाले, उनके लिए देखिए गुड न्यूज़ क्या है। चलिए नेक्स्ट सबसे नीचे चलते हैं हम लोग। और नीचे जाने के बाद देखिए आप लोग इसमें पढ़िए, नंबर 5 में पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है कि सभी जिला स्तरीय बंदोबस्त पदाधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में नव नियोजित, स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ नव नियोजित जो भी आप लोग को प्रोसेस चल रहा है, अभी आप लोग का डीवी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप लोग को डीवी के बाद हो सकता है जो भी पेंडिंग है उसका कुछ रिजल्ट आना है, उसके बाद आप लोग को जो है ना प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो हो सकता है कि केस के कारण यह मतलब रद्द हो सकता है, ये गलत बात है, गलत फहमी में जी रहे हैं आप लोग, ये कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा रहता ना तो बिहार गवर्नमेंट जो है ना अभी जो भी आप लोगों को डिस्पोज कराया गया ना वो केस अभी तक डिस्पोज नहीं होता, क्योंकि 1767 का आप केस देखिए जा करके 1767 केस में देखिए ना वहाँ पर आप लोग को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्रक्रिया कम्प्लीट भी कर दिया गया और वो लोग अभी ज्वाइनिंग भी करके जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, जो होने का वो सरकार कर लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इलेक्शन होने वाला है, तो ये चीज़ कितनों भी कुछ हो ना तो हमको मुझे नहीं लग रहा है मेरे अनुसार कि आप लोग का जो है ना प्रक्रिया रद्द होने वाला है। तो आप लोग चिंता करना छोड़ दीजिए, यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए कि क्या दिया गया, कह रहा है कि नव नियोजित संविदा कर्मियों की चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया ये 18 जनवरी का है, ये नोटिस कब है, 18 जनवरी का नोटिस है, इसमें जब आप लोग का डीवी चल रहा था उस टाइम का यहाँ पर नोटिस दिया गया और उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो जितना भी अधिकारी थे जिला स्तरीय से रिलेटेड जो भी अधिकारी थे डीएलएस या एलआरसी का डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी थे उसी के द्वारा ये बताया गया कि बहुत ही जल्द जो है ना यथाशीघ्र पूर्ण होने वाला है चयन प्रक्रिया। तो अप्रोक्स मुझे लग रहा है कि फरवरी के मिड में 15 से 20 तक आप लोग का इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि जो क्या होगा किस के कारण क्या रद्द हो जाएगी ये पूरी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट, ये गलत बात है, आप लोग टेंशन मुक्त होइए, जो होने का होगा वो गवर्नमेंट करेगी, आप लोग अपना काम कीजिए, सबसे बड़ी बात ये है। अब अतः नई कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक अंचल में जो भी जितना आप लोग का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कराया कि नई कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक अंचल में पदस्थापित होने वाली एक शिविर में प्रभारी होंगे, 2 कानूनगो होंगे, 2 लिपिक एवं अंचल के कुल राजस्व ग्राम के विरुद्ध प्रत्येक 4 ग्राम के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की पदस्थता को देखते हुए जिला एवं अंचल स्तर पर पर्याप्त तैयार करना होगा। ठीक है, जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों के योगदान लेने संबंधी तैयार का सुनिश्चित कर लिया गया, कहने का मतलब जो भी देखिए विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो योगदान लेने के संबंधी वो भी तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो गया है और जैसे ही आप लोग का प्रोविजनल लिस्ट जारी होगा मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी डीवी होगा वो भी कंप्लीट करके आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि केस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ का जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से और एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से सब कुछ प्रक्रिया स्मूथली किया जाएगा, तो आप लोग टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तो ये देखिए कि आप लोग को 18 जनवरी का ये नोटिस था, तो अगर जब आपका डीवी चला था उसी ड्यूरेशन में अगर ये नोटिस जारी किया गया इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी चाहता है जल्द से जल्द इसका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो करके। चलिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।